हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि आई है विश्व भारती यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। अगर हम बात करें वैकेंसीज के बारे में, तो ये वैकेंसी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ये वैकेंसी जो है वो टोटली परमानेंट वैकेंसीज है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोजिशन है वो 106 है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया। तो चलिए हम देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें नेम ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, फिलोसफी एंड कंपेटिव रिलीजन या और विद्या भवन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो वन पोस्ट है अनरिजर्व में, वन ओबीसी में, तो टोटल टू पोस्ट हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें अभी आपकी एलिजिबिलिटी आप उसके लिए दो है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो खास बात यह है इस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, चाहे वो तिब्बतियन स्टडी जो बंगाली हो, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में जो है आप एलिजिबल हैं या आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की भी देखिए वैकेंसी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में निकाली गई, साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन कर रखा है और सब्जेक्ट भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को भी निकाला गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर लाइक सब्जेक्ट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए जो यहाँ पे आपको पे ग्रेड दे रखा है वो 7 CPC के अकॉर्डिंग जो आपको 1,44,200 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसा कि सारी यूनिवर्सिटी में होता है, सेम PhD डिग्री होना चाहिए आपका, कंसर्न अलाइन 11 डिसिप्लिन में। इसके अलावा 10 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो है अच्छे अच्छे जर्नल्स में पेपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी है, बट पे ग्रेड आपको थोड़ा यहाँ कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1,31,400 का पे ग्रेड देखने को मिलेगा। वहीं आपका गुड एकेडमी रिकॉर्ड होना चाहिए, PhD डिग्री आपकी कंसर्न रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए, और मास्टर डिग्री में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और 8 ईयर्स का यहाँ पे मिनिमम आपको एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे ग्रेड है वो 57,700 है। और हम बात करें यहाँ पे सेंसर क्वालिफिकेशन की, तो आपका MSc होना चाहिए या मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका नेट, CSIR नेट या UGC नेट या स्लेट या सेट जो है आपका क्वालिफाई होना पड़ चाहिए। अगर आपके PhD जो है आपने 2009 से पहले कर ली है, तो आपको यहाँ पे नेट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका जो PhD डिग्री है उसे एटलीस्ट रेगुलर मोड में होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स ने आपका PhD थीसिस करेक्ट इवेल्युएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वाइव वर्क होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपने PhD वर्क से 2 रिसर्च पेपर मिनिमम पब्लिश किए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जो अपना PhD वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने PhD किया है उसे टॉप 500 में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो रैंकिंग की बात की, तो आपको QS रैंकिंग, DA रैंकिंग, ARWU रैंकिंग, इनमें से किसी भी रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की। तो देखिए, यहाँ पे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, और कुछ मैं आपको बता दें तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन कर रखे हो, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फी पेमेंट की, तो देखिए यहाँ पे जो नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट है, तो अगर आप एकेडमी लेवल 10 यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1,600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अभी 2,000 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा अगर आप जो हैं वुमेन कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको यहाँ 40% फी पे करनी पड़ेगी, मीन्स आपको 60% फी पे करनी पड़ेगी, 40% आपको एग्जेम्पशन रहेगा। वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 25% ही फी यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ पर 27 फरवरी 2021 है।
तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है सिविल को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सिविल आपकी हेल्प करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।